like, share and subscribe to DDT. Don't forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। और लॉकडाउन, इसमें कुछ नया नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उसमें आप सब अपना ख्याल रखिए। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपका ख्याल रखते हुए एक ड्रिंक लेकर आए हैं, एक ड्रिंक की रेसिपी देंगे आपको, जिसे हम अपनी भारतीय संस्कृति में काढ़ा कहते हैं। और ये बहुत सारे हर्ब्स और बहुत सारे हमारे जो घर में मसाले मौजूद हैं उनको मिलाकर बनाया गया है। और ये ड्रिंक जो है आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, और अभी जो कोरोना के लिए जो भी दवाइयां हमारे डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं उसमें जो है कि गर्म पेय ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो उससे भी रिलेटेड है। तो चलिए, हम सबको ये काढ़ा जरूर पीना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी रेसिपी देखते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हम यहाँ से तुलसी की पत्तियाँ ले लेते हैं पहले, क्योंकि तुलसी जो है औषधीय गुणों से युक्त होती है और बहुत ही फायदा करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा रखती है। तो ये देखिए हमारी तुलसी का पौधा है यहाँ पर, और अभी इसमें पत्तियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बची हैं क्योंकि हम डेली इसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं पत्तियाँ, तो इस वजह से। और अभी नए पत्ते भी अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो ले लिया हमने कुछ पत्तियाँ, तो चलिए किचन में चलकर काढ़ा बनाते हैं। तो देखिए, काढ़ा बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें ली हैं यहाँ पर, जो मसाले लिए हैं वो यहाँ पर रख लिए हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमने दालचीनी ली है जिसे सिनेमन स्टिक भी कहते हैं, और ये यहाँ पर लौंग है, काली मिर्च, तेज पत्ता, अदरक, तुलसी पत्ता जो अभी हमने अपने पौधे से तोड़ा है, और ये सौंफ। इन सारी चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही फायदा करती हैं। इलायची नहीं ली है हमने इसमें, क्योंकि इलायची की जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, तो इसलिए इलायची नहीं ली है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो वो ले सकते हैं। और इसमें हम इस काढ़े में थोड़ा गुड़ भी मिलाएंगे, यहाँ पर चीनी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि चीनी भी ठंडी होती है, तो हम गुड़ का प्रयोग करेंगे। तो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए। सबसे पहले आपको यही करना है कि पानी रख देना है उबलने के लिए, और हमारा पानी उबलने लगा है। अब हम सारे मसालों को अच्छे से कूट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पानी जो है उबलने लगा है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तेज पत्ता तो खड़ा ही ऐड कर देंगे ऐसे ही, ये भी दालचीनी भी ऐसे ही, और तुलसी के पत्ते को थोड़ा सा हाथ से ही क्रश कर लेंगे, इसको डाल देंगे। और बाकी मसाले जो हमने लिए हैं उनको भी अच्छे से ये कूट लिया है, देखिए इस तरह से। ये एक बहुत ही अच्छा काढ़ा बन के तैयार हो रहा है, और मोदी जी ने भी कहा है काढ़ा पीने को, तो हम सबको जरूर पीना चाहिए। और यहां पर देखिए, इसमें सिर्फ अभी गुड़ डालना बाकी है, बाकी सारी चीजें हमने डाल दी हैं। कुछ लोग क्या है कि काढ़े में भी चाय पत्ती डालते हैं जरा सी, ताकि एक चाय वाला फील आए, तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आप डाल सकते हैं। हम लोगों को ऐसे ही अच्छा लगता है, तो इसलिए ऐसे ही। ये काढ़ा जो है बहुत ही फायदेमंद है,
और ये कफ को जमने नहीं देगा। इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है, थोड़ा सा पानी इसका जल जाए ताकि जो मसालों का स्वाद है, मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से रच बस जाए पानी के साथ। तो इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जो सौंफ डाली है हमने, तेज पत्ता, दालचीनी, उन सबकी एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। भारतीय मसालों का तो कहना ही क्या। और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये थोड़ा सा गुड़ है हमारे पास, वो ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें बाद में हनी मिला के पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गुड़ ऐड किया है। देखिए अब हमारा काढ़ा जो है लगभग पक चुका है और इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है, क्योंकि सारे मसालों का जो अपना कलर है वो आ गया है। आपको अगर सौंफ का फ्लेवर नहीं पसंद है, अजवाइन पसंद है, तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी बनके तैयार हो गई है घर के मसालों के। यहाँ पर देखिए काढ़ा जो है अच्छे से उबल रहा है। पहले हमने सोचा था कि इसमें चाय पत्ती नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत जरा सी डाली है हमने कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। आप बिना चाय पत्ती के भी बना सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं काढ़ा उबलते हुए, अब हम इसे छान लेते हैं। यहाँ पर देखिए काढ़ा कितना अच्छा कलर भी आ गया है इसका, और अब हम इसे छान लेते हैं। वैसे तो हम इस कप में पीने वाले हैं, लेकिन ग्लास में डाल के दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि कलर जो है अच्छे से दिखे। तो ये देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, ऐसे भी देखिए। तो चलिए अब हम अपना काढ़ा एंजॉय करते हैं। आप लोग ये जरूर ट्राई करिएगा, बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए हमारा काढ़ा तैयार हो गया है और अब हम इसे पीने वाले हैं। थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, आप सब जरूर पीजिएगा। दिन में 1-2 बार तो आप इसे पी सकते हैं, और इसमें आप अपनी पसंद के और भी मसाले जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मसाला नहीं पसंद है तो उसको मत ऐड करिए। तो इस तरह से आप इसको बनाकर पी सकते हैं। और आप सबको सबसे पहले तो हम बहुत बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सबकी वजह से आज हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर कर लिए हैं। हमारी जो फैमिली है टू बेस्टीज टुगेदर की, वो अभी 500 से ऊपर की हो गई है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, और आप सब अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर किया करिए, और इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मीन्स अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमारे साथ बने रहिए, आप सब रखें अपना ढेर सारा ख्याल। बाय।